हेलो एवरीवन। तो आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीटी एमटेक का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस इन फुल डिटेल्स फॉर ऑल दिस सब्जेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले देखिए एमटेक इन फार्मा केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। तो जनरली फार्मा केमिस्ट्री में जैसे हम लोग एमफार्म करते हैं, एमफार्म इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सिमिलरली है, लेकिन फार्मा केमिस्ट्री के साथ साथ हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी एमफार्म कर सकते हैं, जैसे कि दोनों से अलग अलग। लेकिन फार्मा एमटेक के लिए, एमटेक इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी में हमको मेडिसिनल केमिस्ट्री करना होगा एज वेल एज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दो सब्जेक्ट को मिला के ये एग्जाम होता है। अगर आप इस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री करना होगा एज वेल एज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री करना होगा एज वेल एज कुछ मतलब और भी चीज़ें करना होगा जिसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, नेचुरल प्रोडक्ट्स पढ़ना होगा, स्टीराइल प्रोडक्ट पढ़ना होगा। सो सबसे पहले देखो टॉपिक की बात करो वो है जनरल एस्पेक्ट्स, ठीक है। जनरल एस्पेक्ट का मतलब जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिक्स इंडस्ट्रीज, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। लाइक इसके अंदर मैं थोड़ा डिटेल में बता दूँ, जैसे कि आईसीटी की बात करूँ तो आईसीटी एक सिलेबस, एवरी ईयर एक सिलेबस वो लोग अनाउंस करते हैं, वो लोग देते हैं अपने सिलेबस जो अपने ऑफिशियल वेबसाइट है, बट वो लोग ना पूरा सिलेबस टू द पॉइंट कि कौन सा टॉपिक उसके अंदर क्या सब टॉपिक्स ऐसे नहीं देते, वो सिर्फ जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है सिमिलर तरीके से वो लोग भी एक अपलोड करेंगे। तो जनरली वो लोग पूरा जो डिटेल सिलेबस है वो अपलोड कभी नहीं करते, वो जनरली करते हैं एक नॉर्मल सा टॉपिक, ठीक है, एक सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक को सिर्फ बता देते हैं। अभी उसके अंदर क्या सब टॉपिक्स है वो आपको मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता दूंगा इस लाइव पे। तो देखो सबसे पहले जो करना है जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिक इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिक्स इंडस्ट्रीज मतलब जो नॉर्मल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग है, QA है, QC है, R&D है, देन पैकेजिंग है, तो इन सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि हमने फार्माकोलॉजी 1 में पढ़ा था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ऑल्सो हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स में भी करा है, ठीक है। तो रूट्स के बारे में आपको टोटली जानकारी चाहिए, ठीक है। तो रूट आप लोग KDT के जो बुक है, KDT के बुक से आप लोग रूट को प्रिपेयर कीजिए। आई होप कि आपके प्रिपेयर ऑलरेडी है क्योंकि आप लोगों ने GPAT के लिए तो ऑलरेडी प्रिपेयर किया है। तो इन फार्मा केमिस्ट्री में के लिए जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हो आपको कुछ ज़्यादा चीज़ जो नॉर्मली आप लोगों ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ा है या मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ा है ऑलरेडी फॉर द GPAT और NIPER एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम्स, तो आपका वो तो काम में आ जाएगा। तो आप ज़्यादा जो ध्यान है वो जो अनदर सब टॉपिक्स है लाइक फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, वैलिडेशन, ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिज़ाइनिंग एंड उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट्स, इनको इनके ऊपर ना ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि सॉलिड डोजेज फॉर्म या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ड्रग सिंथेसिस एंड जनरल एस्पेक्ट्स और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो आप लोग जो एक्स्ट्रा सब टॉपिक्स है उनको ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ऐसा हो गया कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को IPR प्रिपेयर करना होगा। ओके सो अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ IPR का मतलब होता है, जो आप लोग ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो आपको पूरा जो ग्रुप्स है, ठीक है, एक एक दिया जाता है नॉर्मली एक प्रोडक्ट और एक केमिकल कंपाउंड, तो उसका आपको नॉमेनक्लेचर किया जाता है, दिया जाता है करने के लिए। तो आप उसका नॉमेनक्लेचर निकालते हैं, उसके साथ साथ उसका जो मतलब उसका जो बॉन्ड है वो किस तरफ का है, अल्फा बॉन्ड है, ठीक है, और पाई बॉन्ड, तो ये सारे जो मतलब डिटेल्स होता है ना, डिटेल स्टडी होता है अबाउट ए कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, उसको IPR स्टडी कहा जाता है। नेक्स्ट मोनोग्राफ्स है, ठीक है, आपको ईच एंड एवरी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, नॉट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मोनोग्राफ्स आपको स्टडी करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लिमिट टेस्ट। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर नहीं किए हो तो सिर्फ अभी के लिए जो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फर है, आर्सेनिक है, लेड है, ये जो सारे इंपॉर्टेंट जो है इनको प्रिपेयर कर लो, ठीक है। देन ड्रग कैटेगरीज आपको करना होगा, ड्रग कैटेगरीज का मतलब ये है ड्रग क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो ड्रग क्लासिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिजियो फार्माकोलॉजी 1 और 2, ये आपको पूरा स्टडी करना है। अभी ये कहाँ से स्टडी करेंगे, क्योंकि फिजियो फार्माकोलॉजी शायद आप लोगों ने ऐसे मतलब किया नहीं है। ओके तो फिजियो फार्माकोलॉजी का मतलब है जो फार्माकोलॉजी में, ठीक है, फार्माकोलॉजी में जहाँ से हम लोग ADME को छोड़ रहे हैं, ADME के बाद से जो पूरा चैप्टर्स है वो सारा आता है फिजियो फार्माकोलॉजी के अंडर में, ठीक है। सो जहाँ पे आपको नॉर्मली समझ लीजिए कि एक कोई सिस्टम
ठीक है, कुछ सिस्टम के बारे में आपको पहले तो एनाटॉमी जानना है उसका, एनाटॉमी जानने के बाद उसका मतलब फिजियोलॉजी जानना है, फिजियोलॉजी जानने के बाद पैथोलॉजी जानना है, पैथोलॉजी जानने के बाद आपको फार्माकोलॉजी जानना है उसका, फार्माकोलॉजी मतलब जो ड्रग्स है, ठीक है। तो ये पूरा जो चार सब्जेक्ट को मिलाकर एक स्पेसिफिक डिजीज़ की मैं बात करूँ तो एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, एक स्पेसिफिक सिस्टम के लिए जो होता है वो है फिजियो फार्माकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री, सो मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको पूरा प्रिपेयर करना है, जो भी है मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री का पूरा जो सिलेबस है जीपैट का वो पूरा आपको प्रिपेयर करना है मेडिसिनल केमिस्ट्री। स्पेसिफिकली की मैं बात करूँ तो जो सिंथेसिस है कंपाउंड का सिंथेसिस है, उस सिंथेसिस को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री तो पूरा आपको पढ़ना है एकदम ए टू जेड, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको पूरा ए टू जेड पढ़ना है, ये मेन सब्जेक्ट है मतलब हाँ मेन टॉपिक्स है, और बाकी सारे जो है वो मेन टॉपिक्स नहीं है, उसके साथ साथ आपको वो भी प्रिपेयर करना है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है ड्रग सिंथेसिस, ठीक है, एक ड्रग का सिंथेसिस और उसका SAR भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको करना होगा माइक्रोबायोलॉजी एंड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का जो सत्यनारायण का जो बुक है वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स माइक्रोबायोलॉजी में आप लोग कर सकते हैं अबाउट द वायरस, द एसेप्टिक टेक्निक्स और जो बैक्टीरियल सिंथेसिस है, उसके साथ साथ आप लोग नॉर्मली जो स्ट्रक्चर्स है स्ट्रक्चर वाइज जो क्लासिफिकेशंस है वो लोग वो आप लोग कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है सिर्फ, ठीक है, मतलब पूरा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कीजिए। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, तो फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी आप लोगों ने शायद एक सब्जेक्ट था आपका फिफ्थ सेम में या सिक्स सेम में, फॉर्मुलेटिव फार्मेसी जिसको इसका नाम था है, तो फॉर्मुलेटिव टेक्नोलॉजी जहाँ पे टैबलेट कैप्सूल एंड अबाउट द पैकेजिंग लाइक बिस्टर पैकेजिंग और जो सब है एंड एक्सेट्रा, ये जो फॉर्मुलेटिव फार्मेसी का बुक था ना वो आपको प्रिपेयर करना होगा फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे आपको फार्मा केमिस्ट्री के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी लिखा है, मतलब फार्मा केमिस्ट्री तो जानना है और ईच एंड एवरी ड्रग का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको नॉर्मली मैं आपको सीधी तरीके से कहूँ तो आपको करना है फार्मास्यूटिक्स एज वेल एज फार्मा केमिस्ट्री, आपका टोटली पूरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है, इस एग्जाम के लिए। देन टेक्नोलॉजी ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म मतलब जो टैबलेट होता है कैप्सूल होता है, ठीक है, ये होता है सॉलिड डोजेज फॉर्म, तो आपको तो पता ही है, तो इसका टेक्नोलॉजी का मतलब है सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए बारे में सारे कुछ आपको जानना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का मतलब और कुछ नहीं है, सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में आपको फार्मास्यूटिक्स वन में मिल जाएगा, जो आर एम मेहता का बुक है उसको थोड़ा सा मतलब पूरा पढ़ लीजिए आपका हो जाएगा। देन है मेडिसिनल नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये तो कोग्नोसी का सब्जेक्ट है, तो अगर आपका कोग्नोसी पसंद था आपने पढ़ा था तो आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं मेडिसिनल नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं अगर आप चाहे तो, शायद एक या दो क्वेश्चन आ जाए, एक ही क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड स्टीराइल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, तो ये सारे जो सब्जेक्ट है ना ये मतलब सब टॉपिक्स है मतलब इम्पॉर्टेंट है बहुत, लाइक इन सारे टॉपिक्स से एक या दो करके क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आप चाहे तो इनको छोड़ सकते हैं, अगर आपका कोर जो है आपका कोर फार्मा केमिस्ट्री आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड सीउटिक्स प्रिपेयर्ड है बहुत अच्छे से तो आप लोग चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स मतलब सारे जो फार्मेसी के जैसे हमने पढ़ा था ना एलो देन जो सेना जो सारे प्रोडक्ट था तो उनके बारे में जो केमिस्ट्री था वो पूरा आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, तो ये अगर आपका प्रिपेयर्ड है तो वेरी गुड, नहीं तो आपका नहीं होगा। देन स्टीराइल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, स्टीराइल प्रोडक्ट के बारे में, टेक्नोलॉजी का मतलब उसका सीउटिक्स, ठीक है, यहाँ पे जहाँ भी आप लोग को टेक्नोलॉजी का नाम देखे मतलब आपको समझना है सीउटिक्स, सीउटिक्स में जो है वही यहाँ पे टेक्नोलॉजी बताया जाता है। स्टीराइल प्रोडक्ट, स्टीराइल प्रोडक्ट का मतलब होता है जो स्टीराइल टेक्निक्स था लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लासेस, ठीक है, एज पर BSP जो टाइप वन ग्लास टाइप टू ग्लास देन ग्लास टेस्ट जो था कौन ग्लास कौन से टाइप के ग्लास के लिए कौन सा टेस्ट, तो इन सारे जो पार्ट है ना वो आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो है ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिस्कवरी आपको अलग से पढ़ना होगा, अगर आप चाहे तो एक PDF है वो आप मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा ड्रग डिस्कवरी के बारे में, सिर्फ वहाँ पे आपको ड्रग डिस्कवरी में थोड़ा जानना है प्रोसेस ड्रग डिज़ाइनिंग एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो ये सारे चार सब्जेक्ट टॉपिक आप लोग देख रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से 5 या 6 क्वेश्चन आएगा इन चार टॉपिक से। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो ड्रग डिज़ाइन से एक टॉपिक आएगा जहाँ पे आपको जो ड्रग डिज़ाइनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग डिज़ाइनिंग जो मेथड्स है और जो सॉफ्टवेयर्स है जो फार्माकोविजिलेंस में और क्लिनिकल ट्रायल्स में इस्तेमाल होता है ना ये आपको अब स्टडी करना है ड्रग डिज़ाइनिंग में, ठीक है।
एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम तो आपको पता ही है, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सारे आपको पढ़ना है। और इसके लिए एक PDF है जो मैं शेयर कर दूंगा अगर आप चाहे तो। एंड नेक्स्ट बात करते हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में नॉर्मल जो GPAT के लिए जैसे आपने प्रिपेयर किया था वैसा ही करना, ठीक है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से GPAT में भी क्वेश्चन आया था तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वैलिडेशन करना होगा आपको, प्रिपेयर वैलिडेशन आपको फार्मास्यूटिक्स में मिल जाएगा। एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पढ़ना है, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मिलेगा आपको जो एक बुक आता है नॉर्मली, बुक का नाम है फैक्ट्री फार्मेसी, ठीक है, जहाँ पे आपको एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ मेडिसिनल इंडस्ट्री में जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि नॉर्मली जो रेगुलेटरी अफेयर्स में को लेकर जो लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं उनसे आप लोग हेल्प ले सकते हैं, उनके पास ये बुक होता है। तो एक फैक्ट्री में रेगुलेटरी एक्ट कैसे काम करता है, रेगुलेटरी कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है फॉर ए ड्रग स्टोर और फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इन सारे के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानना है। मतलब नॉर्मली एज़ पर फैक्ट्री एक्ट, जैसे कि एज पर फैक्ट्री एक्ट एक फैक्ट्री चलता है ना, इसलिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक रेगुलेटरी मतलब इंडस्ट्री का रेगुलेटरी अफेयर्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस ऑफ इन शॉर्ट फॉर ICT और केमिस्ट्री, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे MTech इन परफ्यूमरी एंड फ्लेवर टेक्नोलॉजी में। तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, आई थिंक ये सब्जेक्ट में अगर आपको मिलता है तो आपको करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर जो नॉन कोर सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो जॉब्स है उससे बेटर जो परफ्यूमर इंडस्ट्री है ना, परफ्यूम इंडस्ट्री एंड फ्लेवर इंडस्ट्रीज़ है, जो कॉस्मेटिक्यूटिकल इंडस्ट्री है और एज वेल एज न्यूट्रोस्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, उनमें ग्रोथ आपका ज़्यादा है, उन पर सैलरी आपका ज़्यादा है, उनके स्केल आपका ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आपको पढ़ना क्या है स्पेसिफिकली। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पढ़ लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है फ्लेवर टेक्नोलॉजी में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। एज यू नो दैट परफ्यूम्स आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिजिकल के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो भालन भाल के जो बुक है ना उसमें उससे प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो जनरली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पढ़ना है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कि बेसिक्स आपने कर लिया, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में करना, देन बेसिक रिएक्शन करना है लाइक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे सिर्फ टाइप्स लिखा है मैंने, इनके अंदर जो भी है सारे कर लेना प्रिपेयर, एडिशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजर रिएक्शन, ओल्फ-किशनर रिएक्शन, वाट्स रिएक्शन, ग्रिकनट रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, जो भी था मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना नेम रिएक्शन है स्पेसिफिकली, ठीक है, और स्पेसिफिकली जो फिनॉल के रिएक्शन है, फिनॉल के और बेंजीन का जो रिएक्शन है उनको ज़्यादा ध्यान दीजिए। नॉर्मली तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे बेंजीन से रिलेटेड होते हैं, फिर भी जो फिनॉल के कंपाउंड्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और ऐसा रिएक्शंस जिसमें से जो प्रोडक्ट आता है वो फ्लेवर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है, आप लोग गूगल कर सकते हैं, आपको गूगल में मिल जाएगा कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्लेवर टेक्नोलॉजी में या फ्लेवर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है स्पेसिफिकली फॉर परफ्यूमरी एंड एज ए फ्लेवर। तो नॉर्मली आपको मिल जाएगा गूगल में, तो उन सारे कंपाउंड्स का जो टेस्ट है, सॉरी उन सारे कंपाउंड्स का जो सिंथेसिस है, ठीक है, और जो रिएक्शंस है उनके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जैसे कि मैंने फिनॉल का बताया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट आपको फ्लेवर साइंस पढ़ना है, तो ये कुछ नया आपको पढ़ना है। मुझे पता है कि बीफा में आपने फ्लेवर साइंस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा होगा क्योंकि बीफा में हमारा ये सिलेबस में था नहीं, तो आपको फ्लेवर साइंस में पढ़ना है। अभी फ्लेवर साइंस क्या है, तो फ्लेवर साइंस आपको फ्लेवर साइंस के लिए कोई सा भी बुक उठाना है, PDF आपको मिल जाएगा या फिर मैं ही दे दूंगा, फ्लेवर टेक्नोलॉजी का बुक मेरे पास भी है। तो फ्लेवर टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है स्पेसिफिकली जो फूड रिएक्शंस है, जो एनालिटिकल मेथड्स है, एनालिटिकल मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट, फॉर एवरी सब्जेक्ट। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है स्पेसिफिकली, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, सो एज यू ऑल नो व्हाट इज़ फ्लेवर साइंस, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ छोटा सा। सो इट्स एन मोस्ट मतलब जहाँ पे आपको फ्लेवर, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लेवर रिसर्च है केमिस्ट्री बेस्ड, वो आपको पढ़ना है जनरली, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक ब्रॉड रेंज फील्ड में इसका वैल्यू है जनरली, लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी, लाइक एथोलॉजी एंड साइकोफिजिक्स, जेनेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, इन सारे फील्ड्स में ना इसका बहुत वैल्यू है, ठीक है, ओके। सो आपको फ्लेवर साइंस पढ़ना है। अभी इसके मेल ऊपर डिटेल में नहीं जाता हूँ मैं, क्यों नहीं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो।
देन आपको करना है एसेंशियल ऑयल्स को प्रिपेयर करना है, एसेंशियल ऑयल्स, उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली जो नेचुरल परफ्यूमरी रॉ मटेरियल्स है एंड बेसिक डेफिनेशंस उनका, ये बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। आपको एसेंशियल साइंस के बारे में पूरा जानना है, एसेंशियल साइंस क्या, सॉरी एसेंशियल ऑयल क्या है, एसेंशियल ऑयल्स मिलता कहाँ से है, किस किस के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिकली जो रॉ मटेरियल्स परफ्यूमरी के लिए इंडस्ट्री में के लिए इस्तेमाल होता है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। वैसे भी जो एसेंशियल होता है नॉर्मली वो सारे एसेंशियल ऑयल किसी ना किसी तरीके से परफ्यूमरी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्पेसिफिकली जैसे कि आप समझ लीजिए, एन एग्जांपल देता हूँ, तो कैस्टर ऑयल, जो कैस्टर ऑयल इज़ एन एसेंशियल ऑयल, आपको पता है कि जो बियर्ड ग्रोथ और हेयर ग्रोथ ऑयल्स है उनमें कैस्टर ऑयल इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। सो सिमिलरली अगर आपको एक आइडिया हो गया होगा, देन नेक्स्ट आपको करना है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग। एंड अगर आप लोग किसी भी मतलब जो नॉन कोर सब्जेक्ट है उसके लिए एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको जो मैंने बताया कि एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग, ये दो टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। अभी केमिकल इंजीनियरिंग में आपको स्पेसिफिकली जो यूनिट ऑपरेशंस है वो देखना है, पूरा नहीं, ओनली जो सेपरेशन रिएक्शन, प्यूरिफिकेशन, डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन, ये जो टॉपिक्स है, ठीक है। एक केमिकल इंजीनियर मतलब एक केमिकल को कैसे की बोलते हैं ना शोधन करते हैं, नॉर्मली एक केमिकल को रॉ के हिसाब से उठाया और माइनिंग करके फिर उसमें से कौन कौन से प्रोसेस में जाके, जैसे प्रोसेस टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है, प्रोसेस टेक्नोलॉजी के जाके नॉर्मली जो ONGC में अगर आप जाएंगे तो ONGC में ऐसा आपने को देखने को मिलेगा, जो रॉ तेल को लोग उठा लाते हैं, उस रॉ जो तेल है उसमें से एक पहले होता है उसको सेपरेट किया जाता है, जिसमें से एक से निकलता है पेट्रोल, एक से निकलता है डीजल, ऐसे करके वो लोग सेपरेट करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन होता है, उसका डिस्टिलेशन होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, लास्ट में उसका फिल्ट्रेशन होता है, ताकि लास्ट में जाके हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो रॉ निकलता है वो सिर्फ नॉर्मल एक ऑयल है, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एमटेक इन ऑयल एंड ओलियो केमिस्ट्री एंड सर्फेक्टेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें जनरली आपको करना पढ़ना क्या है, ऑयल्स, ओलियो केमिस्ट्री एंड सर्फेक्टेंट को रिलेटेड करके। तो जनरली अगर आपको पता है कि ऑयल्स मतलब आपको स्पेसिफिकली ऑयल में पढ़ना है ऑल काइंड्स ऑफ ऑयल, यहाँ पे हमने पढ़ा था सिर्फ एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल के मतलब कैस्टर ऑयल और नॉर्मल जो ऑयल्स है, यहाँ पे आपको सारे टाइप के जो ऑयल्स है मतलब वेजिटेबल ऑयल्स एज वेल एज जो मतलब ऑयल एंड फैट्स का जो प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी है, एसेंशियल ऑयल है, ओलियो केमिस्ट्री है, सोप्स है, सर्फेक्टेंट्स है, डिटर्जेंट है, इन सारे के बारे में पढ़ना है, HLV वैल्यू, ठीक है, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो अगर आपका सिविटिक्स बहुत अच्छा है ना, फार्मास्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिक्स 2 या फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, तो आप लोग इन इसमें से कुछ आंसर्स कर पाओगे, मतलब ना भी पढ़ के, अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओ तो। लेकिन ये जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, ये सारे टॉपिक्स और सिलेबस आपको पूरा ध्यान से पढ़ के जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला है केमिस्ट्री ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। सबसे पहले आपको करना है वेजिटेबल ऑयल को प्रिपरेशन, वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, वेजिटेबल ऑयल्स का क्लासिफिकेशन देखना है, वेजिटेबल ऑयल्स का सॉरी यहाँ पे क्लासिफिकेशन को मैंने दो बार लिख दिया है, ये एक होता है डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। नॉर्मली तो आपको क्या करना है, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स कौन सा है अगर आपको पता नहीं तो बता दूँ, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, राउस ब्रेन ऑयल, देन कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये जो ऑयल्स है ना ये वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर आता है। इनका केमिस्ट्री करना है आपको, केमिस्ट्री का मतलब इनका डेफिनेशन करना है, इनका क्लासिफिकेशन करना है, इनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखना है आपको, एंड कौन कौन सा फैटी एसिड एंड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट में वो आपको करना है, देखना है। उसके बाद इनका सिंथेसिस देखना है, ठीक है, कौन से मतलब कौन से जो ऑयल है वो किस किस काम के लिए इस्तेमाल होता है वो भी आपको देखना है, मतलब पूरा उसका केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड फैट्स, जिसको मैंने वहाँ उसके अंडर ही बता दिया कि नॉर्मली जो ऑयल्स होते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ ऑयल, नॉट ओनली वेजिटेबल ऑयल, ऑल काइंड्स ऑफ ऑयल और फैटी एसिड और फैट्स जो है उनका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपको देखना है, ठीक है। ये आपको स्पेसिफिक बुक से पढ़ना है, ये आपको नॉर्मली जो हमारे बीफार्म के बुक्स है वहाँ पे कभी नहीं मिलेगा। ओके इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। देन आपको इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ना है जो कि है न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल हमारे जो सिलेबस है फार्माकोग्नोसी उसमें लास्ट में थोड़ा सा था, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रास्यूटिकल, ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल एंड इंपॉर्टेंट माइनर और नॉन ट्राइग्लिसराइड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल ऑयल एंड फैट। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब, न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है जो फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रिएंट्स, ये दोनों को मिक्स करके ये वाला जो टर्म है इसको
लिया गया है, ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी है और जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी प्रेजेंट है, उनको हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है। नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स निकलता है लाइक फूड प्रोडक्ट्स और बेवरेजेस नॉर्मली, तो इनमें पहले क्या होता था, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू तो होता नहीं था, मतलब सिर्फ टेस्ट के लिए हम लोग खाते थे एंड दे आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एज यू नो। तो इसके लिए कुछ कुछ कंपनीज ने न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर इंडिया में ध्यान दिया, जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल बहुत फेमस है यूएस में एंड अदर जो कंट्रीज़ है, लेकिन इंडिया में भी अभी इन्होंने ध्यान दिया। और सबसे पहले ब्रिटानिया जो कंपनी है उन्होंने स्टार्ट किया था सबसे पहले जो ऐसा एक मतलब जो बनाना जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू भी है, ठीक है। तो यह है न्यूट्रास्यूटिकल का एक ब्रीफ, अभी आपको ये पूरा पढ़ना है। न्यूट्रास्यूटिकल का पीडीएफ आपको गूगल में मिल जाएगा, उसके लिए ऊपर इंपॉर्टेंट जो है स्पेसिफिकली नेचुरल ऑयल एंड फैट्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट का जो न्यूट्रास्यूटिकल चीज़ें हैं वो आपको करना है। देन करना है आपको केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ओलियो केमिकल्स, ठीक है। ओलियो केमिकल्स के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, ओलियो केमिकल्स का केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब उसके ऊपर जो सारे हैं वही टेक्नोलॉजी है, कुछ अलग से नहीं करना होगा, मतलब उसका केमिस्ट्री आपको पूरा करना है। अभी ओलियो केमिस्ट्री क्या है, ओलियो केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, तो ओलियो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल्स ऑयल्स एंड फैट्स। जैसे कि हम लोगों ने वेजिटेबल्स ऑयल्स के बारे में अलग से पढ़ा, हम लोगों को ओलियो केमिकल्स में पढ़ना है। दिस इज द स्टडी ऑफ वेजिटेबल ऑयल एज वेल एज एनिमल ऑयल्स एंड फैट्स, ठीक है। मतलब ऑयल्स तो सिर्फ वेजिटेबल से नहीं होता, एनिमल ऑयल भी होता है। और नॉर्मली जो ओलियो केमिकल वर्ड है ये डिराइव हुआ है फैट एंड ऑयल से, ठीक है। ओके, जैसे कि समझ लीजिए ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल एक ओलियो केमिकल प्रोडक्ट है, ओके। नॉर्मली इसका जो इंडस्ट्री में काम है वो रिगार्डिंग स्पेसिफिकली फॉर सोप है, ठीक है। लाइक इंडस्ट्रीज लाइक सोप, जो सोप बनाते हैं उनमें ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है, ओके। मेजर ओलियो केमिकल्स क्या है, मेजर ओलियो केमिकल्स की बात करें तो फैटी एसिड्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ फैटी एसिड, मिथाइल एस्टर्स है, फैटी अल्कोहल्स है, फैटी एमीन्स है, ये सारे इंक्लूड है ओलियो केमिकल्स के अंदर। एंड अगर मैं बात करूँ साइड प्रोडक्ट की, तो इन सारे जो प्रोडक्ट्स है जो सिंथेसिस है, इनके सिंथेसिस से एक ही साइड प्रोडक्ट आता है जो कॉमन है, जो कि है ग्लिसरॉल। आपको पता ही है कि फैटी एसिड के एक रिएक्शन का अगर फैटी एसिड निकल रहा है तो उसमें से और निकलेगा एक ही चीज़ जो है ग्लिसरॉल है, ओके। सो एक छोटा सा मैंने बता दिया ओलियो केमिकल्स के बारे में, ये आपको पढ़ना है। फिर एसेंशियल ऑयल के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, एसेंशियल ऑयल्स के बारे में जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा था पिछले वाले में, सिमिलरली पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बात किया कि एसेंशियल ऑयल्स, केमिकल इंजीनियरिंग, ये जो सारे टॉपिक्स है, ये अगर किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो ये सारे सब्जेक्ट को करके जाइए, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग को ये आईसीटी बहुत प्रेफर करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन मस्ट आएगा, क्योंकि ये इसका नाम ही है आईसीटी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। तो आप इवन किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन ये लोग मस्ट देंगे जो एमटेक के लिए जो प्रोग्राम्स है, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको कुछ करना होगा, जैसे कि लुब्रिकेंट्स को करना होगा एंड ग्रीसेस को करना होगा। अभी लुब्रिकेंट्स के बारे में अगर आपको पता नहीं तो लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस के बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, ठीक है। सो लुब्रिकेंट्स कहाँ पर इस्तेमाल होता है, लुब्रिकेंट जिसका होता है मतलब इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जब एक ड्रग को बनाया जाता है उसके साथ साथ जो एक नॉर्मली जो एक ड्रग है उसका दो पार्ट होता है, एक हो गया एपीआई एंड एक्सीपिएंट्स। एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एंड एक्सीपिएंट्स मतलब उसके साथ साथ जो फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, लुब्रिकेंट्स, ठीक है, डिसइंटीग्रेंट, ये जो चीज़ें उसके साथ एडेड होता है इनको हम लोग कहते हैं एक्सीपिएंट्स। लुब्रिकेंट का मतलब काम क्या है, तो ये एक कंपोनेंट है जो सच एज ऑयल और ग्रीस, इसका काम है ग्रीस का काम है किसी भी चीज़ को इजीली मतलब क्या बताएं उसको, स्मूथली एंड इजीली किसी भी पार्ट में लाइक मेक्स अ मशीन लाइक, ठीक है, मतलब चल नहीं रहा है तो उसमें थोड़ा सा हम लोग ग्रीस इस्तेमाल करते हैं ताकि वो चलने लगा, ठीक है, बहुत दिनों से। तो अगर फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में बात करें तो इट्स अ सब्सटेंस यूज टू फैसिलेट द रिलेटिव मोशन ऑफ अ सॉलिड बॉडीज, ठीक है, बाय मिनिमाइजिंग द फ्रिक्शन एंड वेयर बिटवीन द इंटरेक्टिंग सर्फेस, ठीक है। ये अगर इसका डेफिनेशन बात करूँ प्रॉपर, तो ये हो गया हमारा लुब्रिकेंट्स, ओके। नेक्स्ट हमको करना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस सब्जेक्ट स्पेसिफिकली, ओके, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। नेक्स्ट हम जो इंपॉर्टेंट है वो है सोप्स, सर्फेक्टेंट्स एंड डिटर्जेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये जो हम लोग जो सब्जेक्ट के लिए एमटेक करेंगे ये सब्जेक्ट ही है बेस्ड ऑन द ऑयल, तो ऑयल के बारे में हम लोगों ने सारा पढ़ लिया। लेकिन ऑयल एंड ओलियो केमिस्ट्री सिर्फ नहीं है, इसमें इंक्लूडेड है सर्फेक्टेंट ऑल्सो, तो आपको सर्फेक्टेंट के बारे में भी जानना है सारे। एंड सर्फेक्टेंट का मतलब ही है जहाँ पे सोप इंडस्ट्री है वहाँ पे सर्फेक्टेंट इस्तेमाल होता है, जहाँ पे साबुन और जो होता है ना, जो जिसमें हम लोग
कपड़े वगैरह धोते हैं, जैसे कि सनलाइट डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स में एंड सोप्स के इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है सर्फेक्टेंट्स का, ठीक है। उसमें से आपको एच का एच एल भी वैल्यू करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्फेक्टेंट टॉपिक इस सब्जेक्ट के लिए। लुब्रिकेंट्स हो गया, ग्रीस हो गया, देन लास्ट में करना है यूनिट ऑपरेशंस एंड केमिकल इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट इनको बहुत पसंद है, स्पेसिफिकली जो यूनिट ऑपरेशन पार्ट है। यूनिट ऑपरेशन के अंदर क्या क्या है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया था। यूनिट ऑपरेशन का मतलब है सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, डिस्टिलेशन एंड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायस्टफ एंड इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी, एमटेक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एमटेक इन डायस्टफ एंड इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी। इसके लिए आपको करना है सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ए टू जेड आपको सारे जो चीज़ें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो करना है आपको वो है डायस्टफ केमिस्ट्री। डायस्टफ केमिस्ट्री, डायस्टफ केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना होगा, डायस्टफ केमिस्ट्री आपको कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए एक बुक है, पीडीएफ आपको गूगल में मिल जाएगा, आप सर्च कीजिए। तो इसके अंदर आपको करना है इसका इंट्रोडक्शन, इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कलरिंग एजेंट्स और कलरेंट्स, ठीक है। उसके अंदर एसिड डाइस करना है, डायरेक्ट डाइस करना है, बेसिक डाइस करना है, वैट डाइस करना है, सल्फर डाइस, डिस्पर्स डाइस, रिएक्टिव डाइस एंड एजोविक डाइस, ये सारे जो काइंड ऑफ मतलब डाइस है इनका डेफिनेशन, इनका केमिस्ट्री एज वेल एज इनका एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल एज वेल एज एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली जो डाई इंडस्ट्री है इनमें इनका जो वैल्यूएबल एप्लीकेशन है इनके पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में। देन नेक्स्ट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एनालिटिकल केमिस्ट्री, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है इनके लिए, सिमिलरली एनालिटिकल केमिस्ट्री इज समहाउ सिम इम्पोर्टेंट रखते हैं आईसीटी एंट्रेंस के लिए, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री इनको बहुत फेवरेट है एज वेल एज लाइक जो केमिस्ट्री सॉरी जो केमिकल इंजीनियरिंग है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स है जो उसको आपको ध्यान देना है, जैसे कि टाइट्रेशन करना है, टाइट्रेशन में कौन कौन से रिएजेंट इस्तेमाल होता है एज अ टाइट्रेंट, एज अ पैटेंटिंग एजेंट, एज एन इंडिकेटर, ये सारे आपको करना है कौन से के लिए कौन सा, ठीक है। इसके लिए एक चार्ट बना लीजिए आप, उस चार्ट के हिसाब से करिए। एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्रोमाटोग्राफी नॉर्मलिटी सॉरी स्पेक्ट्रोस्कोपी फोटोमेट्री क्रोमाटोग्राफी ये जो टेक्निक्स है एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये सारे इस्तेमाल होता है इन इंडस्ट्री में डायस्टफ में, क्योंकि डाइस को मतलब जो एक्सट्रैक्ट करने होते हैं ना उसके लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ओनली मेथड, देयर इज नो अनदर मेथड ऑफ जहाँ से आपको डाइस और कलरिंग एजेंट्स मिलता है, ठीक है। ओके, सो केमिकल, जैसे कि मैंने बताया कि केमिकल इंजीनियरिंग आपको यहाँ भी करना है, केमिकल इंजीनियरिंग इनका फेवरेट है। देन नेक्स्ट फाइबर पॉलीमर केमिस्ट्री, इसको आपको करना है ध्यान से क्योंकि इंटरमीडिएट्स के बारे में भी ये सब्जेक्ट है, तो इंटरमीडिएट्स में आपको नेचुरल सॉरी जो फाइबर पॉलीमर केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। पॉलीमर केमिस्ट्री हमारे बी फार्म में तो था नहीं, तो आपको ये सारे जो सब टॉपिक्स है अलग अलग करना है अलग अलग जगह से। नेचुरल फाइबर्स आपको करना है जिसके अंदर आपको सेलुलोज करना है, वूल करना है, सिल्क करना है, ये जो सारे सब्सटेंस है इनके बारे में आपको पढ़ना है पॉलीमर केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि पॉलीमर केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट इन डायस्टफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ना है, ये तो हो गया हमारा नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, ये सारे जो पॉली के रिलेटेड है ये सारे हैं हमारा सिंथेटिक फाइबर्स, एज वेल एज सेलुलोज एसिटेट, ये सारे है जो है ये सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर आता है। नेक्स्ट डाई फाइबर इंटरेक्शन फॉर वेरियस टाइप ऑफ डाइज एंड फाइबर्स, ठीक है, मतलब जो डाइज होता है एंड जो फाइबर्स होता है उनके बिटवीन जो इंटरेक्शन होता है, ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन देम जो डाई फाइबर एक कंपाउंड बनता है उसके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है, कौन से डाइज है, कौन से फाइबर को रिएक्शन में क्या डाई फाइबर मिलता है, ये आपको स्टडी करना है। हो गया, ओके। नेक्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी, दिस इज आवर लास्ट सब्जेक्ट। सो इस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के लिए मैं बता दूं आपको कि ग्रीन टेक्नोलॉजी में जो भी आपको करना है एक्सेप्ट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो हमारे जो सिलेबस है बीफा में वो कहीं पर नहीं था आपको ये, लेकिन एक चीज़ है इसमें जो क्वेश्चन आते हैं जो टॉपिक्स है वो बहुत ही कॉमन एंड ईजी है, तो आप लोग कहीं पर से भी ये जो टॉपिक्स है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं नॉर्मल टॉपिक्स है, ठीक है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये फर्स्ट वाला है, इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑलरेडी आपको ये आपका ये प्रिपेयर्ड है, ठीक है। जैसे कि फंडामेंटल्स है सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, नोमेनक्लेचर देखना है आपको, स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन केमिस्ट्री के लिए, स्टीरियो केमिस्ट्री को ध्यान से करिए, रिएक्शंस ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक सिस्टम, रिएक्शंस मतलब सिर्फ रिएक्शन मतलब एडिशन, रिएक्शन मतलब सारी रिएक्शन, एलिफेटिक रिएक्शन, एरोमेटिक रिएक्शन, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक के अंदर जो भी है एडिशन, सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, जो भी है मतलब सारे करना है आपको, नेम रिएक्शंस, ये आपने कर लिया फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट सो सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो आपका
आपका कुछ भी आइडिया नहीं जिसके बारे में, वो है द 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अभी आपको तो ये पता नहीं कि क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री होता क्या है। तो देखो, ग्रीन केमिस्ट्री, सबसे पहले ग्रीन केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ग्रीन केमिस्ट्री इज़ लाइक इज़ अ केमिकल, इज़ अ डिज़ाइन ऑफ ए केमिकल प्रोडक्ट्स एंड द प्रोसेस दैट रिड्यूस एंड एलिमिनेट द यूज़ एंड द जनरेशन ऑफ द हैज़र्डियस सब्सटेंसेस। नॉर्मली इसका मतलब यही है कि अगर आप हिंदी में बात करें तो हैज़र्डियस जो सब्सटेंस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको गार्बेज बोलते हैं ना, जो हम लोग कूड़ा फेंकते हैं, ये सारे कूड़े को मतलब जो जमा होता है फ्रॉम डिफरेंट साइट्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइक आवर होम एंड एवरीवेयर, जो सब्सटेंस हैज़र्डियस आते हैं उनसे जो हम लोग एनर्जी, स्पेसिफिकली हम बात करें तो एनर्जी, उसमें से जो एनर्जी हम लोग जनरेट करते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट सेक्टर्स जहाँ पे, इसको सिंपली कहते हैं हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री। जैसे कि हम लोगों ने EVS में पढ़ा था, ग्रीन रेवोल्यूशन होता है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसका ही यहाँ पे हम लोग उसको ही थोड़ा सा लार्ज स्केल में पढ़ेंगे, ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग हल्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और बीटा रेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको करना है, जनरली दिस सब्जेक्ट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द जनरेशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है, एंड रिड्यूस एंड एलिमिनेट द यूज़ ऑफ द नेचुरल पावर्स, लाइक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो कोल इस्तेमाल करते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है, दिस इज़ द मोस्ट हार्मफुल फॉर आवर लाइक लंग्स, ठीक है। देन हम लोग जो नॉर्मली पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर सॉरी जो पानी जो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं हैज़र्डियस थिंग्स, वो जाके पानी में डायरेक्ट जो रिवर्स है एंड जो मतलब सीज है वहाँ पे जाके जमा हो रहा है, एंड लाइक दे आर डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल थिंग्स, नेचुरल सब्सटेंस। सो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो गार्बेज आ रहा है या जो हैज़र्डियस सब्सटेंस आ रहा है फ्रॉम ए इंडस्ट्री एंड फॉर आवर होम्स, हम लोग उसको वहाँ ना जाके उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं किसी ऐसी जगह के साथ, और कोई दूसरा एक कोई जो काम कर रहा है वो ले जा रहा है हमारे घर से गार्बेज को, वहाँ पे जमा कर रहे हैं। अभी जो इंजीनियर्स है उनका काम है वो जो पूरा गार्बेज वहाँ पे पूरा जमा हुआ उसको ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से, ग्रीन केमिस्ट्री की मदद से, जो एनालिटिकल टेक्निक्स है उसकी मदद से, उससे जो एनर्जी वो निकालते हैं, वो एनर्जी के प्रिपेयर होने से हम लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी, और सारे जो चीज़ें नॉर्मली हम लोग ये कोल को इस्तेमाल करके थे वो सारे होगा इन गार्बेज को इस्तेमाल करके। दिस इज़ द प्रिंसिपल। जो आपको 12 प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री, तो 12 प्रिंसिपल एक को मैं सिंपली बता दूँ, तो फर्स्ट 12 में से फर्स्ट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब नॉर्मली हम लोग को फर्स्ट क्या करना होगा, ये 12 प्रिंसिपल है यहाँ पे। फर्स्ट प्रिवेंशन मतलब हमको सबसे पहले प्रिवेंट करना होगा जो हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है, जो वेस्टेज ऑफ आवर नेचुरल थिंग्स, ये आपको प्रिवेंट करना होगा। नेक्स्ट सेकंड है एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी का मतलब दिस इज अ सिंथेटिक मेथड, शुड बी ये डिज़ाइन किया गया है टू मैक्सिमाइज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द ऑल मटेरियल्स यूज्ड इन द प्रोसेस इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, थर्ड है लेस हैज़र्डियस केमिकल सिंथेसिस। जो केमिकल सिंथेसिस हैज़र्डियस है उनको हम लोग जितना हो सके कम कर सके। वेर एवर प्रैक्टिकेबल सिंथेटिक मेथड शुड बी डेजिग्नेटेड टू यूज एंड जनरेट सब्सटेंस दैट पोजेस लिटिल और नो टॉक्सिसिटी टू ह्यूमंस हेल्थ एंड एनवायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर पर डिजाइनिंग द सेफर केमिकल्स। डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स मतलब द केमिकल प्रोडक्ट शुड बी डिजाइंड टू एफेक्ट देयर डिजायर्ड फंक्शन वाइल मिनिमाइजिंग देयर टॉक्सिसिटी। हम लोग फार्माकोलॉजी में यही पढ़ते हैं कि फार्माकोलॉजिस्ट का और एक फार्मासिस्ट का एक मेडिसिन को बनाने ऊपर नॉर्मली बनाते हैं इस हिसाब से कि वो मैक्सिमाइज काम करे एंड मिनिमल एडवर्स इफेक्ट और इफेक्ट करे और नो इफेक्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट 5 है सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज। सो ऑक्सिलरीज के बारे में पता नहीं आपको, तो ऑक्सिलरीज के मतलब है जो सॉल्वेंट्स होता है या सेपरेटिंग एजेंट होता है उनको ऑक्सिलरीज कहा जाता है। ठीक है, तो यूज़ ऑफ ऑक्सिलरी सब्सटेंस एंड सॉल्वेंट्स शुड बी मेड अननेसेसरी वेयर एवर पॉसिबल एंड इनकॉशियस व्हेन यूज्ड। ठीक है, 6 नंबर पे है डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। सो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ केमिकल प्रोसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर एनवायरमेंटल एज वेल एज इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स एंड शुड बी मिनिमाइज्ड। इफ पॉसिबल सिंथेटिक मेथड शुड बी कंडक्टेड एट एम्बियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ द 7 नंबर इज, आप लोग चाहे तो इनको मतलब मेरे बोलने के साथ साथ लिख भी सकते हैं, क्योंकि आपको ये शायद कुछ कहीं पर मिलेगा नहीं ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में नॉर्मली, मतलब इतना सिंपल लैंग्वेज में। देन 7 नंबर पे है यूजेस ऑफ रिन्यूएबल
फीड स्टॉक्स, फीड स्टॉक्स, ओके, अ रॉ मटेरियल और अ फीड स्टॉक. फीड स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल शुड बी रिन्यूएबल रादर देन डिप्लेटिंग व्हेनेवर टेक्निकली और इकोनॉमिकली प्रैक्टिकेबल. मतलब जो रॉ मटेरियल्स और जो मटेरियल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मस्ट रिन्यूएबल होना चाहिए. जो इस्तेमाल कर, जो हम लोग फिर से रिन्यू कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं. नॉर्मली जो वाटर बॉटल्स होते हैं उनको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए हम लोग खाते हैं फिर फेंक देते हैं. लेकिन अभी फिलहाल उनको प्रोसेस टेक्नोलॉजी की मदद से रिन्यू कर रहा है लोग, तो दिस इज़ अ वेरी गुड आई थिंक स्टेप. देन 8 नंबर पे है रिड्यूस डेरिवेटिव्स. रिड्यूस डेरिवेटिव्स का मतलब है अननेसेसरी डेरिवेशन. मतलब डेरिवेशन का मतलब है यूजेस, ये मैथ का डेरिवेटिव नहीं है. डेरिवेशन का मतलब है यूजेस ऑफ ब्लॉकिंग ग्रुप्स, प्रोडक्शन एंड डिप्रोटेक्शन, टेम्पररी मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन अननेसेसरी शुड बी मिनिमाइज्ड और अवॉइडेड इफ पॉसिबल बिकॉज दिस आर स्टेप्स रिक्वायर एडिशनल रिएजेंट्स एंड कैन जनरेट वेस्ट. ओके, नेक्स्ट 9 नंबर पे है कैटलिस्ट, सॉरी कैटालिसिस. सो कैटालाइटिक रिएक्शंस जैसे कि सिलेक्ट, मतलब एज मच एज पॉसिबल आर सुपीरियर टू द स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट्स, ठीक है, तो इनको रिड्यूस करना होगा. ओके, नेक्स्ट डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन. सो केमिकल प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन सो दैट एट द एंड ऑफ देयर फंक्शन दे ब्रेक डाउन इनटू इनकॉशियस डिग्रेडेशन प्रोडक्ट एंड डू नॉट परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट. नॉर्मली जो सम प्रोडक्ट्स है जैसे कि पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीग्लाइसिन, ये नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स है ना, जो पॉलीमर्स है और पॉलीथिलीन है, ये नॉर्मली रिन्यूएबल नहीं है, इनका डिग्रेडेशन नहीं होता, ये नॉर्मली इस्तेमाल होता है फिर ये कभी भी इसका डीजेनरेशन नहीं होता. जैसे कि हम लोगों ने इस्तेमाल किया वैसे ही रह जाएगा, तो नॉर्मली ऐसा होना चाहिए. जैसे कि अगर आप पेपर की बात करें तो पेपर इज़ लाइक डिग्रेडेबल प्रोडक्ट, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड किसी भी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को ये मतलब हार्म नहीं करेगा. नेक्स्ट 11 नंबर पे है रियल टाइम एनालिसिस फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन. सो एनालिटिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे. सो एनालिटिकल उनको कहते हैं एनालिटिकल मेथोडोलॉजिस्ट्स, ठीक है, नीड टू बी फर्दर डेवलप्ड टू अलाउ फॉर रियल टाइम एंड इन प्रोसेस मॉनिटरिंग. जैसे कि अगर आप लोग गूगल में देखें तो गूगल ने अभी जो गूगल मैप्स है उसके अंदर जो गूगल वेदर है उसमें जो नया लॉन्च किया उन्होंने कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन योर एरिया. टेम्परेचर तो बहुत दिन पहले से था लेकिन व्हाट काइंड ऑफ एयर जो इसका जो टेक्नोलॉजी उन्होंने निकाला है गूगल ने, ये बहुत अच्छा है क्योंकि एयर में कितना परसेंटेज का पॉल्यूशन है ये जान पाना इट्स लाइक इम्पॉसिबल थिंग, बट नाउ यू कैन इजीली नो दिस. अगर आपका लैपटॉप है तो आप लोग गूगल से इसको डायरेक्ट देख सकते हैं एनी टाइम, ठीक है, कि हवा में जो पॉल्यूटेंट का परसेंटेज कितना है, हवा कितना साफ है, ठीक है, ये सारे देख चलते हैं चीज़ अभी. एंड द लास्ट इज द 12th थिंग इज इनहेरिटेंटली सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन. सब्सटेंस एंड द फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस यूज्ड इन द केमिकल प्रोसेस, जो केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन होता है उनमें जो सब्सटेंस इस्तेमाल होता है, दिस शुड बी चूजन टू मिनिमाइज द पोटेंशियल फॉर केमिकल एक्सीडेंट्स. केमिकल जो एक्सीडेंट होता है तो इनके लिए केमिकल प्रोडक्ट्स को जितना हो सके हमको मिनिमाइज करना होगा, इंक्लूडिंग द रिलीजेस, एक्सप्लोशंस एंड फायर्स. ओके, सो ये जो 12 पॉइंट के बारे में हमने बात किया अब तक, ये 12th पॉइंट है, इज कॉल्ड एज द 12th प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. तो ये 12 पॉइंट आपको मतलब पूरा पढ़ लेना है डिटो एकदम, नहीं तो आपका ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जो 12 प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री है आधा क्वेश्चन तो इनमें से देगा और बाकी आधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देगा और रेस्ट ऑफ कुछ यहाँ से देगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स के बारे में. ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स में क्या करना है आपको प्रिपरेशन. थर्मोडायनामिक्स का 3 लॉ है जैसे कि आपको पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, तो आप लोग 12th का फिजिक्स एक बार देख सकते हैं. 12th में 11 कहीं पर था तो उनका थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 3, ठीक है, उनमें से एक प्रिंसिपल है हमारा आइंस्टाइन का. ठीक है, सो दैट इज नो एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड. अगर कोई एनर्जी एग्जिस्ट करता है तो हम लोग उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. ओके, कैटालिसिस एंड इट रोल्स इन ग्रीन केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 12th प्रिंसिपल के अंदर कैटालिस्ट के बारे में एक बताया पॉइंट, कैटालाइटिक जो रिएक्शन होता है, ठीक है, वो उनको हमको जितना हो सके उतना रिड्यूस करना होगा, किंतु क्योंकि कैटालिटिक रिएक्शंस में सबसे ज़्यादा स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट इस्तेमाल होता है जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, इसीलिए कैटालिसिस के बारे में हमको पढ़ना है एंड देयर रोल इन ग्रीन केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी. ओके, देन नेक्स्ट है कॉन्वेंशनल मेथड्स ऑफ एनालिसिस. जैसे कि मैंने बताया कि एनालिसिस क्यों चाहिए, रियल टाइम एनालिसिस फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन, जैसे कि मैंने ये वाला पॉइंट बताया, इसीलिए आपको कन्वेंशनल मेथड्स जानना होगा एनालिसिस के लिए. जैसे कि जिससे हम लोग वाटर पॉल्यूशन का जो मतलब एनालिसिस है वो कर पाएंगे रियल टाइम, नॉट बाद में, मतलब 2 साल पहले का कोई पानी और अभी हम लोग कर, रियल टाइम हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे. और रियल टाइम जो एयर का
मतलब टाइप एयर में पॉल्यूटेंट्स का परसेंटेज, ठीक है, ये जो सारे एक मतलब नेचुरल चीज़ें हैं लाइक वाटर और एयर, इनका एनालिसिस का जो कन्वेंशनल मेथड्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ। नेक्स्ट यूनिट ऑपरेशंस, सेफ लैबोरेटरी प्रैक्टिस एंड बायोसेफ्टी, तो ये आपको मिल जाएगा किसी भी बुक में अगर आप देखेंगे ना, एमटेक इन मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी का बुक, तो उनमें आपको ये जो सेफ लैबोरेटरी प्रैक्टिस है SLP, जैसे कि हमारे होता है ना गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस, सिमिलरली उनके लिए भी है सेफ लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, बायोसेफ्टी, हैजार्डियस सेफ्टी एंड यूनिट ऑपरेशंस, ये आपको मिल जाएगा बुक में। देन बेसिक जो बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी जीपेट के लिए शायद प्रिपरेशन लिया था, उससे काम चल जाएगा। एक बार जो सत्यनारायण का बुक है वो देख लीजिए। नैनो मटेरियल्स इन सिंथेसिस को एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है उनका एप्लीकेशन, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। नैनो टेक्नोलॉजी कैन रिड्यूस द लाइक आवर पॉल्यूशंस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो मैंने बताना भूल गया, द 12 प्रिंसिपल के बाद जो पॉल्यूशन का टाइप्स है, कितने टाइप का पॉल्यूशन होता है, ठीक है, देयर प्रिवेंशन, कैसे उनका प्रिवेंशन हो सकता है। नॉर्मली ये लोग, ये तो हम लोगों ने एनवायरमेंटल साइंस और स्टडीज़ में पढ़ा है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा है, तो उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, दैट इज़ ऑल। एंड वाटर क्वालिटी एंड ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लान, इसके अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लान, इसको बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अभी मेडिकल फील्ड में जो लोग कॉलेज से ले ही जा रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लान को दिखाने के लिए, स्पेसिफिकली मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज या फार्मेसी कॉलेज में भी, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लान कैसा होता है, वहाँ पे कैसे काम होता है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, ठीक है, ये सारे आपको जानना है ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए। एंड एयर एंड सॉइल पोल्यूशन के बारे में जानना है, एंड द ट्रीटमेंट के बारे में जानना है कि कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट है, टेक्निक्स है, एफ्लुएंट टेक्निक्स है, जिससे एयर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन रिड्यूस हो सके, एंड वाटर क्वालिटी एंड वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट प्लान एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो पुराना वाला पानी है उसको ट्रीट करके फिर से नया पानी एंड वी कैन यूज़ ऐसे यूजेबल पानी के हिसाब से इस्तेमाल हो सकता है। ओके, सो ये था हमारा पूरा आज का वीडियो, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। इस वीडियो में हमने पूरा जो सारे सब्जेक्ट है, सारे टॉपिक्स हैं, इनके बारे में डिस्कस कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर टू एवरीवन, क्योंकि ये जो वीडियो आज मैंने किया है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो सारे लोग ICT के बारे में बैठना चाहते हैं उनके लिए।